अगली खबर में बात करते हैं शिवपुरी की, जहां जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में युवक के साथ उसकी प्रेमिका के परिजनों और गांव वालों ने जमकर मारपीट कर दी। दरअसल युवक बुधवार देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने रात के अंधेरे में उसके गांव गया हुआ था। प्रेमी प्रेमिका को मिलते परिजनों ने देख लिया। इसके बाद परिजनों और गांव वालों ने पहले प्रेमी को जमकर पीटा और डायल 100 बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्रेमी पर शांति भंग मामला दर्ज किया है। प्रेमी ने बताया कि उसकी प्रेमिका पड़ोस के गांव में रहती है। कई दिनों से उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीती रात उसकी प्रेमिका ने उसे मिलने अपने घर बुलाया था। दोनों साथ बैठे हुए प्यार के सागर में डूबने ही वाले थे। इसी दौरान उसे व उसकी प्रेमिका को परिजनों ने देख लिया। इसके बाद वे घर से भाग खड़ा हुए, लेकिन परिजनों ने गांव वालों की मदद से उसे भागते हुए पकड़ लिया और उसकी जमकर मारपीट कर दी। प्रेमी ने बताया कि मारने वालों की संख्या आधा सैकड़ा से भी अधिक थी। पहले उसे ग्रामीणों ने मन भर के पीटा, फिर डायल 100 को बुलाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। युवक ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा की गई मारपीट में उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसकी शिकायत उसने पिछोर थाने में दर्ज कराई है। थाने में आए थे आप? हाँ। काय के लिए आए थे? वो ये लुआ खा लिया था। क्या हुआ आपके साथ? मारपीट करी और हम उसने बुलाया था तो हम गए। मारपीट की आपकी? हाँ। किसने मारपीट की? अब गांव वाले का नाम नहीं जानता, नाम नहीं जानता मैं। गांव वाले बहुत सारे थे। गांव वालों ने? हाँ। किस बात पे मारपीट कर दी? फोन लगा के बुलाया। आपकी किस बात पे मारपीट कर दी? वही बता रहा है कि आया था तो हम गए थे। फिर आप गए? हाँ। फिर क्या हुआ? उन्होंने पकड़ लिया और मारपीट कर दी। बगैर किसी कारण के मारपीट कर दी आपकी? क्योंकि हम उनके घर गए थे इसलिए कर दी। अच्छा, उनने किसी काम के लिए बुलाया था आपको? नहीं तो तो मिलने के लिए बुलाया था। अच्छा।